गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। क्लास फोर्थ में लेसन एट पढ़ना है क्लोथ्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्लोथ्स मीन्स क्या होता है? वस्त्र, कपड़े, पहनावा हमारा, जो इसे क्लोथ्स कहते हैं। फिर ये आपको एक क्लू बॉक्स में दिया हुआ, नेम द स्टेट टू विच द फॉलोइंग पीपल बिलोंग विद द हेल्प ऑफ क्लोथ्स दे वियर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये पता होना चाहिए कि इंडिया एक ऐसा कलरफुल, एक ऐसा विविड कंट्री है जहाँ पे बहुत तरह की विविधता पाई जाती है। वैरायटीज़ ऑफ पीपल, वैरायटीज़ ऑफ फूड, वैरायटीज़ ऑफ क्लोथ्स पाए जाते हैं। स्टेट टू स्टेट लोगों का पहनावा, खाना पीना, बोली बोलचाल सब कुछ चेंज होते रहता है। तो आप जैसे कि पिक्चर में देख के अगर आप समझ लें कि ये कौन कौन से स्टेट के लोग हैं और इस स्टेट का नाम लिखना है। जैसे मैं आपको एक हिंट दे रहा हूँ, ये जो लेडी पहनी हुई हैं शलवार कमीज़ और जो है सर के ऊपर अपना वो ऐसे दुपट्टा बांधी हैं, और जो मेल जो है ये कुर्ता पजामा पहने, तो दे आर द पीपल फ्रॉम कश्मीर। कश्मीर में लोग ऐसे पहनावा पहनते हैं। फिर राजस्थान में देखेंगे तो राजस्थान के लोग जो है पगड़ी बांधते हैं बहुत बड़ी, और धोती पहनते ऐसे और ऐसा कुर्ता पहनते हैं, दे आर फ्रॉम द राजस्थान। फिर आसाम में लोग ऐसे कैप लगाते हैं आसामीस, और फिर जो है उनकी लेडीज़ जो है ऐसे हमेशा पीछे जो है बकेट बांधी है होती हैं। आसाम में टी की खेती होती है ज़्यादा, चाय की, तो चाय बुनने के लिए, चाय की पत्तियों को बुनने के लिए। ये पंजाब के लोग हैं, पंजाब में ऐसी पगड़ी बांधी जाती है और वहाँ की औरतें भी शलवार कमीज़ और दुपट्टा लगाती हैं। और ये जो है गुजरात के लोग हैं, गुजरात का ये कॉस्ट्यूम है। तो हम कॉस्ट्यूम से देख के लोगों को पहचान सकते हैं जो पुराने ज़माने में अक्सर लोग पहना करते थे वहाँ के लोग, तो ये सारे कॉस्ट्यूम हुआ करते थे। ठीक है, तो अर्लियर पीपल लिव्ड इन जंगल्स। तो पहले तो पता होना चाहिए जो सबसे पहले पुराने ज़माने में जो लोग होते थे वो जंगल में रहते थे। दे डिड नॉट वेयर क्लॉथ्स, वे कभी भी कपड़े नहीं पहनते थे। दे यूज लीव्स, बार्क्स ऑफ ट्रीज एंड स्किन एनिमल्स टू कवर दियर बॉडीज़। वो अपने शरीर को ढकने के लिए क्या इस्तेमाल करते थे? तो दे यूज़ बार्क, लीव्स, पत्तियाँ, या फिर जो है बार्क ऑफ ट्रीज़। बार्क का मतलब पेड़ का खाल, और जानवरों के चमड़े का इस्तेमाल करते थे अपने बदन, अपने बॉडी, अपने शरीर के अंगों को ढकने के लिए। स्लोली एट टाइम पास्ट दे स्टार्टेड लर्निंग वीविंग एंड नीटिंग थ्रेड्स टू मेक क्लॉथ्स। जैसा जैसे समय गुजरा वैसे वैसे उन्होंने शुरू किया कपड़ों की बुनाई करने की, उनकी जो है नीटिंग करने की, धागे निकाल सूत काटने की, ताकि वो कपड़े बना सकें। तो सबसे पहले क्वेश्चन ये उठता है कि वाई डू वी नीड क्लॉथ्स, आखिर हमें कपड़े की ज़रूरत क्यों है? तो वी वियर क्लॉथ्स टू कवर आवर बॉडी, हम अपने शरीर को ढकने के लिए क्लोथ्स का इस्तेमाल करते हैं। क्लोथ्स प्रोटेक्ट आवर बॉडी फ्रॉम हीट, डस्ट, कोल्ड, रेन एंड इंसेक्ट। कपड़े क्या करते हैं? हमारे शरीर को गर्मी से, धूल से, बारिश से, ठंडक से, कीड़े मकोड़ों से बचाते हैं। तो ये काम होता है कपड़ों का। क्लोथ्स हेल्प अस टू प्रोटेक्ट अस फ्रॉम डस्ट, हीट, कोल्ड, वाटर। क्लोथ्स मेक अस लुक गुड एंड स्मार्ट, कपड़ों से इंसान खूबसूरत और स्मार्ट लगता है। वी ऑल्सो नीड क्लोथ्स टू फर्निश आवर होम्स लाइक कर्टन्स, बेड कवर्स, सोफा कवर्स। हमें अपने घर को सजाने के लिए भी कपड़ों की ज़रूरत होती है, जैसे पर्दे लगाते हैं हम, जैसे बेडशीट लगाते हैं, बेड कवर्स लगाते हैं, सोफ़ा के ऊपर कवर लगाते हैं, ये सब कपड़ों की ज़रूरत होती है घर को डेकोरेट और फर्निश करने के लिए। क्लोथ्स अकॉर्डिंग टू प्लेस, यानी जगह के अनुसार कपड़ों का पहनावा। पीपल हैविंग ए डिफ़िकल्ट पार्ट्स ऑफ आर कंट्री वियर डिफरेंट क्लॉथ्स। लोग जो हमारे देश में होते हैं वो अलग अलग लोग अलग अलग प्रकार के कपड़े पहनते हैं। सम स्ट्रीट्स हैव स्पेशल ड्रेसेस दैट आर वॉर्न बाय देयर लोकल पीपल। तो जो वहाँ के स्ट्रीट के लोग होते हैं, जो लोकल लोग होते हैं, वो वहाँ की कपड़ों को पहनते हैं। क्लॉथ्स अकॉर्डिंग टू द सीज़न, आपको पता है कि सीज़न के अनुसार भी हम अपने कपड़ों को बदलते हैं। तो वी वियर डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लोथ्स अकॉर्डिंग टू सीज़न, ऋतु के अनुसार हम अलग अलग प्रकार के कपड़े पहनते हैं। इन समर सीज़न वी वियर लाइट कलर्ड कॉटन क्लॉथ्स,
हल्के रंग वाले सूती के कपड़े पहनते हैं जब गर्मी का मौसम होता है। कॉटन क्लोथ्स एब्जॉर्ब स्वीट एंड लेट द एयर इन। सूती के कपड़ों का काम क्या होता है कि वो हमारे पसीनों को सोखता है और जितनी भी हवाएं हैं वो हमारे शरीर में आने देता है। इन विंटर सीजन वी वियर वुलन क्लॉथ्स। वुलन क्लॉथ्स कीप आवर बॉडी वार्म एंड प्रोटेक्ट फ्रॉम कोल्ड। यानी गर्म कपड़े क्या करते हैं सर्दियों में, हमें ठंडक से बचाते हैं, यानी गर्म रखते हैं हमारे बॉडी को और ठंडक से बचाते हैं। वी ऑल्सो वियर डार्क कलर्ड क्लॉथ्स, थिक क्लॉथ्स एंड क्लॉथ्स मेड ऑफ लेदर और फर। हम लोग सर्दियों में मोटे कपड़े पहनते हैं जो फर के बने हों, लेदर के बने हों। इन मानसून वी वियर रेनकोट्स एंड गमबूट्स। बरसात के मौसम में हम लोग क्या पहनते हैं, रेनकोट पहनते हैं और गमबूट्स कहते हैं एक बारिश के पानी में जब बरसात में निकलते हैं तो ऐसे जूते पहनते हैं। रेनकोट इज़ मेड ऑफ फ्रॉम वाटर प्रूफ मेटेरियल, यानी रेनकोट जो है वाटर प्रूफ मेटेरियल से बना होता है। गमबूट्स आर मेड फ्रॉम रबर विच प्रोटेक्ट अस फ्रॉम गेटिंग वेट। और गमबूट जो होता है वो हमारे पैरों को और हमें भीगने से बचाता है। अम्ब्रेलाज आर ऑल्सो यूज टू प्रोटेक्ट आवर सेल्फ फ्रॉम रेन। हम लोग अम्ब्रेला भी यूज़ करते हैं रेन से बचने के लिए। क्लोथ्स अकॉर्डिंग टू प्रोफेशन। कुछ कपड़े ऐसे होते हैं जो प्रोफेशन के अनुसार पहने जाते हैं। सम पीपल वियर डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लोथ्स अकॉर्डिंग टू दियर प्रोफेशन। अपने प्रोफेशन के अनुसार कुछ लोग अलग अलग प्रकार के कपड़े पहनते हैं। दियर स्पेशल क्लोथ्स आर कॉल्ड दियर यूनिफॉर्म। और उस स्पेशल क्लॉथ को जो लोग पर्टिकुलर पहनते हैं उसको उनका यूनिफॉर्म कहते हैं। जैसा कि साधारण सा एग्जांपल है कि हम स्कूल जाने के लिए स्कूल यूनिफॉर्म इस्तेमाल करते हैं, वैसे ही यहाँ पे आपको एक वर्क दिया गया है कि इनके कॉस्ट्यूम के अनुसार, इनके यूनिफॉर्म के अनुसार प्रोफेशंस का नाम लिखें। तो देख सकते हैं कि आप फर्स्ट में वाइट कोट पहने हुए व्यक्ति डॉक्टर हैं, ब्लैक कोट पहने वाले व्यक्ति लॉयर हैं, ये शेफ हैं जो खाना बनाते हैं, और ये पुलिसमैन, और लास्ट वन वाज पोस्टमैन। तो ये लिखेंगे। फिर फाइबर्स, क्लोथ्स आर मेड ऑफ फ्रॉम फाइबर्स। जो कपड़े होते हैं वो धागे से बने होते हैं। दीज फाइबर्स आर मेड इनटू फैब्रिक्स एंड फैब्रिक इज़ यूज्ड टू मेक क्लॉथ्स। और ये धागे फैब्रिक बनाता है और फैब्रिक से हम क्या बनाते हैं, फैब्रिक से फिर कपड़े बनते हैं। यहाँ तक हो गया। अब जो है आगे देखिए। यस, फाइबर्स आर ऑफ टू टाइप्स, नेचुरल फाइबर्स एंड मैन मेड फाइबर्स। जिस धागे से हम लोग कपड़े बनाते हैं वो दो तरह के होते हैं, या तो नेचुरल फाइबर होंगे नहीं तो मैन मेड होंगे जो इंसानों ने बनाया। नेचुरल फाइबर्स आर ऑब्टेंड फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स। कॉटन एंड जूट आर फाइबर्स ऑब्टेंड फ्रॉम प्लांट्स। जो नेचुरल प्राकृतिक फाइबर है उसको हम लोग प्लांट्स या एनिमल्स से प्राप्त करते हैं। प्लांट्स वाले फाइबर्स कौन कौन से होते हैं, तो प्लांट्स वाले फाइबर्स होते हैं जैसे कॉटन और जूट, ये जो हैं प्लांट्स से निकलते हैं। सिल्क, सिल्क सुने हैं, और वूल, ऊन, ये फाइबर्स एनिमल्स से मिलते हैं हमें। आप देख सकते हैं कॉटन प्लांट, लूम, लूम में ये जाता है कॉटन प्लांट और फैब्रिक निकालने के लिए, यानी कॉटन निकालने के लिए। फिर क्या होता है, इस एग्जांपल बताया गया है, कॉटन इज़ ऑब्टेंड फ्रॉम कॉटन प्लांट। द कॉटन प्लांट बियर्ड्स फ्लफी कॉटन बॉल्स। जो कपास का पेड़ होता है जिससे कॉटन निकलता है उसमें जो फ्लावर्स होते हैं फिर फ्रूट्स में बदलता है, उस फ्रूट में कॉटन के बल्ब होते, बॉल होते हैं विच हैव कॉटन फाइबर, जिसमें कॉटन के रेशे होते हैं। दीज फाइबर्स आर स्पन इन टू थ्रेड्स कॉल्ड यार्न। इसको धागे में बनाया जाता है, उस फाइबर्स को धागा बनाया जाता है कॉटन का, जिसको यार्निंग कहते हैं। द यार्न्स आर देन वुवन इन टू कॉटन फैब्रिक ऑन लूम्स। लूम्स में इन सारे धागों को मिला के कॉटन की फैब्रिक बनाई जाती है, कपड़ा बनाया जाता है। द फैब्रिक विल बी डाइड।
टिप्स हैं, ये सब कर लीजिए, राइट रॉन्ग कीजिए, फिर क्वेश्चन आंसर मैं आपको लिखवा दूंगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।